ये प्रोटेस्ट हमने निकाला था एसटी टू के एसटी बंदी प्रोफेसर को तू बच्ची मारा है। हम सब इकट्ठे होने उस टीचर के फेवर में, कोई किसी की औकात नहीं होनी चाहिए कि कोई टीचर के हाथ बहुत ही अफसोस हो रहा है इस तरह के हिंसा के माहौल को देखकर। ना के प्रोटेक्टर के पांच लीडर्स होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करना। आज वही लोग, आज वही हमारे साथ हमारे बीच है कुछ लोग बाकी लोगों का हक छीन रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को खत्म कर। उनकी जिम्मेदारी थी जो बाकी लोगों को हक के लिए लड़ते, आज वही लोगों का हक छीन रहे हैं। बहुत दुखी हूँ यहाँ पे कंडीशन के लिए। न जाने क्या आपके यहाँ के टीचर्स पढ़ा रहे हैं और न जाने कैसे आपके नाम की समझ। बहुत ही शर्मिंदा हो, बेस्ट नॉन फाइटर किस तरह से पेंशन ले रहे हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फसल पावर और नदियों अंडे के बर्तन लोगों को फैसला किया जा रहा है। बहुत ज़्यादातर लोग यहाँ की पढ़ाई छोड़ दें। तो ये बात इंश्योर करा रही हूँ कि अगर उन्होंने ये बोला कि हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो हम अंदर ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। हम लोग आज इस बार कोई भी ना नकुरी नहीं सुनेंगे। आज जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे तो उनसे ये चीज का वादा लेंगे कि आपको अब उस स्टूडेंट के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा जिसने लो फैकिलिटी के टीचर के ऊपर हाथ उठाया। क्योंकि हम ये जानते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये पहला घटना नहीं था। इससे पहले 2 साल पहले रामजस कॉलेज के अंदर हमने देखा था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर पत्थर मारे गए। हमने देखा था लो फैकिलिटी की डीन वेद कुमारी को यहाँ पर 40 गुंडों ने घेर के उनके साथ बदतमीजी की थी। हमें याद है एसआरटीसी कॉलेज के अंदर भी किस तरह से गुंडों ने जाकर बेल्ट से टीचर को मारा था। अगर उस टाइम कि पैरा डीयू प्रशासन अगर एक्शन लिया होता तो आज की स्थिति नहीं आती। कोई भी झूठ बोल के किसी भी प्रोफेसर का कॉलर पकड़ के उसको सरेआम कैंपस के अंदर मारे और सोचे और इस बात के ऊपर गर्व करे कि मैंने मारा है और मैं और लोगों को भी मारूंगा। इसीलिए आपसे हम ये वादा करके जा रहे हैं कि बिल्कुल आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों की बात को सुनना पड़ेगा।